प्यार की उम्र नहीं होती, खुद से छोटी उम्र के शख्स को डेट करने पर बोली मलाइका अरोड़ा। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के कई दीवाने हैं। अपने लुक से लेकर फिटनेस और पर्सनल लाइफ तक की कई चीजों को लेकर मलाइका अरोड़ा सुर्खियों में जगह बनाती हैं। शनिवार को हुए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में मलाइका अरोड़ा ने शिरकत की। यहाँ मॉडरेटर नबीला संग उन्होंने अपने तलाक और अर्जुन कपूर संग रिश्ते को लेकर बात की। सेशन के दौरान मलाइका अरोड़ा से पूछा गया कि समाज में महिलाओं पर उनकी चॉइस को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, कैसे इंसान के साथ उन्हें रहना चाहिए, कैसे को डेट करना चाहिए, इस पर कोई ना कोई उन्हें हिदायत देता है, आपको भी रोज कई बातें सुननी पड़ती हैं, तो आप कैसे इसे डील करती हैं। मलाइका अरोड़ा ने सवाल का जवाब देते हुए हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि जब मैंने तलाक लिया था तो मुझे कहा गया था कि तुमने तलाक क्यों लिया, क्योंकि ये टैग मेरे साथ हमेशा रहेगा। फिर जब मुझे तलाक के बाद प्यार मिला तो लोगों ने कहा कि इसे प्यार कैसे मिल गया। फिर अपने से कम उम्र के मर्द से प्यार करने पर मुझे बोला कि मैं अपने होश खो बैठी हूँ, लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, आप प्यार में हैं तो हैं। आगे एक्ट्रेस कहती हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उम्र में छोटे शख्स से प्यार कर रहे हैं या बड़े, इसे हमारे स्पेस नहीं बताया जा सकता। मैं खुश हूँ कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला जो मुझे समझता है। वो उम्र में छोटा है तो ठीक है मुझे लगता है, क्योंकि वो मुझसे यंग है, इसलिए मैं भी यंग महसूस करती हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है। मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन महसूस होता है। मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद महिलाएं मुझसे सहमत होंगी। मैं इसे लेकर बुरा महसूस नहीं करती हूँ, क्यों करूँ। क्यों बताया था अरबाज का सरनेम। अरबाज खान से शादी और खान परिवार के साथ अपने नाम के जुड़ने पर भी मलाइका अरोड़ा ने इवेंट में चर्चा की। उनसे पूछा गया कि वो फेमस परिवार का हिस्सा रही है, क्या वो मानती है कि उन्होंने करियर में कामयाबी इस अपने सरनेम के चलते मिली। इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया, हाँ उसकी वजह से मुझे फायदा हुआ, लेकिन अंत में मुझे खुद को साबित करने की मेहनत करनी ही पड़ी। जब मैंने उनका सरनेम अपने नाम के पीछे से हटाया तो मुझे कहा गया था कि इस सरनेम को मत हटाओ। मैं अपने इन लॉ की इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे अपने दो पैरों पर खड़ा होना था। मुझे अपने नाम से अपना सेंस ऑफ सेल्फ आया। मैं अभी भी खुद पर काम कर रही हूँ।